हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग वही शाम का टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ कारीगरों के जाने के बाद। ऐसे लग रहा है ना, कैमरे के कांच पे कुछ है, मैं हटा दिया। अब साफ दिख रहा है ना? ठीक है, ये देखो अपना घर। इसको लगभग मैंने बाउंड्री करवा चुका हूँ और बाउंड्री में देखो 6.5 फिट की दीवार है ऊँची। उसके बाद ये टोटली दीवार उतना ही होगा जितना ये बड़ी वाली दीवार दिख रहा है और इस सिंगल पर्दी में है। आप सामने से बताओ अपना घर कैसा दिख रहा है, आ रहा है मज़ा देखते हुए? ठीक है, अभी हालत कुछ ऐसी है अपनी। और इधर अपनी बाइक, इधर जंगल का माहौल, और इधर अंकल जी गए हैं पतासी बेचने के लिए। फिलहाल लाइट तो आ रही नहीं है, ताकि मैं तराई करता, तराई भी करना ज़रूरी है। चलो तो एक बार देख लेता हूँ लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि लाइट आने के बाद ये जो दीवारें हैं ना, ये थोड़ी नई नई है, तो इनको क्या है, तराई करना भी ज़रूरी है। ये पेड़ा बंधा हुआ है, पेड़े पर कारीगर लोग चढ़ के फंटा रख के और ईंटों की चुनाई चलती है। ये देखो अंदर से पूरा खाली पड़ा है, इसमें मिट्टी की भरत करवानी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा है, देखते हैं क्या पता लाइट आया नहीं। दबाऊं 1 2 3। ओ वाह यार, लाइट आ गई भाई साहब, गजब हुआ यार मेरे साथ। तो मेरे को लग रहा नहीं था कि लाइट आ जाएगी, लेकिन वास्तव में जैसे ही ब्लॉगिंग स्टार्ट किया वैसे ही लाइट आ गई। तो अब सबसे पहले इस दीवार की तराई करनी है, उसके बाद ये अपने गटर बाथरूम की तराई करनी है, उसके बाद सामने वाली इस दीवार की, और इस दीवार को आधा करना है। जो ये लकीर आ रही है ना, ये आज जुड़ा है गाइज, इधर वाला पोर्शन आज जुड़ा है और इस वाले पोर्शन को मेरे को तराई करना है, और ये होद की भी करनी है। तो फिलहाल करते हैं। एक यहाँ पर मैं छोटा सा पाइप लगवा दिया हूँ, दिख रहा होगा आपको ये पाइप। जैसे कि इसमें मिट्टी हम पूरा बरोबर कर देंगे ना, तो कभी बारिश आएगी तो इस पाइप के द्वारा होते हुए पानी बाहर चल जाएगा। और अपने कर्म रोकी तो क्या बताया, कमरे तो कुछ ऐसे हैं। चलो अंदर भी दिखा देता हूँ, गलेरी में से रोशनी आ रही होगी। ये गलेरी में से रोशनी, कुछ ये सीन है अपना। और ये गलेरी, ये अपना दूसरा कमरा। चलो बाहर चलते हैं, बाहर चलने के बाद ये माहौल। तो मैं क्या है, अब तराई भी मारूंगा, लेकिन एक हाथ में मोबाइल लेके और तराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी का मामला है। अगर मोबाइल में पानी चल जाता है तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा मेरा, इसलिए मेरे को ब्लॉगिंग को स्टॉप करना पड़ेगा। तो एक बार बाहर का माहौल वापस दिखा देता हूँ मैं आपको। या तेरे, ये है बाहर का माहौल। ये एक बांस अपना इधर पड़ा है, इस बांस को जाते टाइम गेट के सामने लगवा दूंगा। और हाँ, आप लोगों को विचार आ रहा होगा कि इतना छोटा गेट क्यों रखा हूँ मैं इतने बड़े घर में। तो मैं इसलिए रखा हूँ कि छोटा सा गेट जो अंदर घर में रखा हुआ है वही मैं खरीद के लाया हूँ सेकेंड हैंड, क्योंकि पैसे ना होने की वजह से मैं छोटा गेट लगवा रहा हूँ। 3.5 फुट है इसकी चौड़ाई और 6 फुट लंबाई। बस अपनी एक बाइक अंदर चल जाए, बाइक ही, अपने पास कोई बड़ा 4 व्हीलर साधन तो है नहीं ताकि जाने में परेशानी होगी। तो जितना है उतने में ही अपन को अभी फिलहाल अपने मकान का काम स्टॉप करना पड़ेगा। ये सामने सामने का बस प्लास्टर करवा दूंगा, बाकी का प्लास्टर नहीं करवाऊंगा क्योंकि पैसे मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं पूरे। ईंटें भी इतने पड़े हैं, क्या पता इस ईंटों में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो ईंट है इतने ईंटों में ये दीवार को मेरे को कम्प्लीट करना है। वो जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये हाइट करना है मेरे को बिल्कुल सेम। तो गाइज उम्मीद है कि शायद इस सीटों में हो जाएगा काम, हो जाए तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसको कैसे कैसे कंप्लीट करवाना है मेरे को और मेरी फैमिली को, लाके आराम से खुशीपूर्वक मेरे को इसमें रहना है। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू।